तो दोस्तों जहां पे है मेरे पास ये मेरा एंड्रॉयड फोन जिसमें मैं अपना जीमेल का अकाउंट लॉगिन करना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे मेरे जीमेल के अकाउंट पे टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है जिसके कारण मैं उसे लॉगिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो नंबर मैंने वेरिफिकेशन के लिए दे रखा है वो यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा होने के बावजूद अपने जीमेल के अकाउंट को कैसे सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्दी पहुंच सके वो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों जहां पे हम अपने फोन पे आ चुके हैं, सबसे पहले आपको अपने जीमेल के ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जहां पे पहले से ही एक अकाउंट हमारा लॉगिन है, लेकिन जो दूसरा अकाउंट है वो यहां पे लॉगिन नहीं है क्योंकि उसका टू स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन का इशू यहां पे आ रहा है। उस पे टू स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन के लिए जो फोन नंबर लगा हुआ है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें कोड रिसीव करने में दिक्कत आ रही है और उसके बिना हमारा जीमेल का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड भी है, हमारा जीमेल का अकाउंट भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टू स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन का कोड नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डीपी पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपके केस में हो सकता है कि आपके सामने ये इंटरफेस ना हो क्योंकि आपके फोन में कोई अकाउंट जहां पे लॉगिन ना हो, तो उस केस में आपको सिंपली जहां पे लॉगिन पेज पे ही आ जाना है। हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आपके सामने पहले से ही जीमेल की ऐप को ओपन करते ही लॉगिन पेज आ जाए। उसके बाद सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे अपना फोन का लॉक यहाँ पे एंटर कर देना है। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जहां पे हमारे पास पासवर्ड है तो हम यहां पे पासवर्ड को एंटर कर देंगे। दोस्तों यहां पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो दोनों के दोनों फोन नंबर यहां पे लगे हुए हैं वो यहां पे नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे यहां पे गेट हेल्प का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे हमारे सामने तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। हो सकता है आपके केस में दो या एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा हो। तो जहां पे पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके पास आपका जो ईमेल अकाउंट है किसी और डिवाइस में लॉगिन है तो आप वहां पे एक वेरिफिकेशन कोड को मंगा के अपना यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आपकी रिकवरी ईमेल पे आप एक वेरिफिकेशन कोड को मंगा सकते हैं या फिर वेरिफिकेशन लिंक को मंगा सकते हैं जिसके जरिए आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद नीचे तीसरा ऑप्शन आ जाता है जिसपे क्लिक करने के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पे गूगल कह दे कुड नॉट साइन इन, तो हम यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमसे कोड मांग लिया गया है, तो चलिए यहाँ पे कोड को एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड है 386437। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड फोन नंबर का ऑप्शन आ गया है और हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे यस आई एम इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट यहाँ पे sonalily3@gmail.com यहाँ पे लॉगिन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे टू स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन लगा हुआ है, लेकिन हमने फोन नंबर के कोड के बिना ही यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में इतना, आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
और साथ साथ वीडियो का रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।